y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. ये है, क्या दिया हुआ है, x greater than minus 1 दिया है, is an increasing function of x throughout its domain. This is an increasing function of x. ये हमें show करना है कि this function is increasing function. कैसे show करोगे? dy by dx. देखो, हमें ये show करना है कि for x greater than 1, ये function कैसा है? Increasing function है. ठीक है? तो कोई भी function increasing कब होता है? जब उसका derivative greater than 0 हो. मतलब हमें इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो शो करना है. डिवाइड बाय डीएक्स क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. फिर 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस. अब 2x एज इट इज, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा. डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 1 plus x minus 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर 4 होगा. कहां पर 4 न्यूमरेटर 4 होगा upon 2 plus x का होल स्क्वायर. ये सिंपलीफाई होके 4 आ जाएगा. 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर. ठीक है, dy by dx is equal to एलसीएम ले लो यहां पर. 1 plus x into 2 plus x का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दो इसको, क्या बनेगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट, 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल. देवेश आ जाओगे ना ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन टेस्ट के लिए? हाँ सर, कब आने बता दो. हाँ बताता हूँ, बाकी ये दोनों तो नजदीक ही हैं तो आ ही जाएंगे, आपका थोड़ा दूर पड़ेगा, पर एक दिन में तो नहीं आता. एक दिन रहता है. हम्म, कहाँ रहता है ये? 46. हाँ मैं 49 में रहता हूँ. अच्छा, आप तुम 49 में? पास ही है फिर तो. मुझे तो लगा था तुम इधर रहते हो, सुशांत लोग साइड में. नहीं सर, फिर तो तुम्हें ज्यादा दूर पड़ेगा. अकाउंट्स कैसे जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो ऑनलाइन जा रहे हो? सर अभी ऑफलाइन जाऊंगा नेक्स्ट क्लास से. अच्छा, अब देखो बच्चों ये आ गया. अब एक बात बताओ, x अगर 1 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1, x माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 से बड़े का मतलब क्या है, समझे या नहीं समझे? माइनस 1 से ग्रेटर, अगर आप यहाँ से माइनस, यहाँ एक्स को कुछ भी पुट करोगे माइनस 1 से बड़ा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा या जीरो भी हो सकता है. अगर एक्स को आप ग्रेटर देन माइनस 1 रखोगे, एक्स कार्तिक कहाँ है? तो वो बाहर है, तो वो ट्रैवल कर रहा है, उसने कहा था कि आपको बता कि वो नहीं है. अच्छा, नमन भी इधर? मैं तो समझ रहा हम चार लोग ही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था नमन भी इधर है. अच्छा, x square is greater than zero. ठीक है, x square is greater than equal to zero. x, नमन कैमरा ऑन करो, मैंने वो कर रखा है ना कि विदाउट कैमरा वाले. yes, विदाउट हाइड द हाइड विदाउट कैमरा, जो कैमरा ऑन नहीं है वो हाइड हो जाएंगे.
पैनल से। नमन तुमने दिखा ही नहीं था, नमन ने कैमरा ऑन नहीं किया। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, एक्स को आप ग्रेटर देन माइनस वन रखोगे तो एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होगा? यस सर, है ना। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आर यू श्योर कि एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा? तो पूछना चाहता है क्यों होगा? बताओ भाई, माइनस वन से बड़ा नंबर रखोगे, माइनस वन से बड़ा, तो क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन जब माइनस वन से बड़ा तो जीरो भी होता है, जीरो यहाँ रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड जो ये वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स का क्या होगा? एक्स को माइनस वन से बड़ा रखा, जैसे कि माइनस वन से बड़ा क्या कितना हो गया, पॉइंट नाइन, माइनस पॉइंट नाइन, तो माइनस पॉइंट नाइन यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ये भी जीरो से बड़ा आएगा। और टू प्लस एक्स का होल स्केयर, क्योंकि तो होल स्केयर है, ये होल स्केयर तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो हाँ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में हमारे पास एक दो तीन तीन टर्म है, डिनोमिनेटर पूरा हमारा जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो ओवरऑल जो डी वाई बाई डी एक्स है, न्यूमरेटर के जीरो होने से जीरो भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आया ही ग्रेटर देन जीरो। फॉर एक्स ग्रेटर देन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, दिस इम्प्लाइड। जब डी वाई बाई डी एक्स का अगर जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स इज एन, बताओ कैसा होता है? डीवाई बाई डी एक्स जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। जान भूल गए, बुलाता था। हाँ, डीवाई बाई डी एक्स नमन जीरो से बड़ा है तो फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। yes. सेकंड इज, एट कर लिया था या नहीं कर लिया था? तो नहीं किया था, नहीं किया था। वैसे तो मेरे मुझे ऐसा याद आ रहा है कर लिया था बेटा, तो नहीं किया था तो आप करना, उसको ट्राई करना। ठीक है, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta, ये y है। हमें ये शो करना है कि थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू। थीटा जीरो से पाई बाई टू बिलोंग कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये शो करना है, ठीक है। देखो सभी लोग डिवाइड बाई डी थीटा फाइंड करो, एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ गया टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, टू प्लस कॉस थीटा होल कॉस थीटा इंटू फोर कॉस थीटा। माइनस फोर साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा जीरो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नमन क्यों मुस्कुरा रहे हो? सर कुछ नहीं, सर दिवेश हंस रहा था तो मेरे को हंसी आ गई। सर मतलब ये आपकी क्लास में आपको नहीं देखता, जो आप करवा रहे होते हो मेरे को ही देखते रहता है सर, इसका मतलब। सर स्क्रीन तो सामने पूरा ही दिख रहा है ना, सभी दिख रहे हैं। इधर ध्यान दो, डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कितना हो गया, एट प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये टू प्लस कॉस थीटा है, बच्चा एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
कोई बात नहीं दिवेश, नमन को हंस लेने दे थोड़े दिन हमारे साथ। ओके सर, जैसा आपको। सर वो टू ठीक है सर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे है? टू प्लस कॉस थीटा उसको कैसे है? क्या बेटा लास्ट टर्म कैसा है? एलसीएम ले लिया ना बेटा, तो ये दोनों का एलसीएम तो ये आएगा, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वन के जगह तो ये आ गया, ये समझ आया आपको कि वन के जगह ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। क्या कैसे? तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये है एलसीएम आएगा, यानी जो वन एलसीएम टू आएगा, टू को टू से डिवाइड करा, वन आया वन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आएगा, प्लस वन को टू से डिवाइड करोगे तो टू आएगा, टू को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू आएगा, तो मतलब जब डिनोमिनेटर वन हो तो एलसीएम यही आ जाता है, यही वाला नंबर, और वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। सर नहीं अच्छा, यहाँ से फोर कॉमन ले लें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये कितना होगा, फोर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, यही आएगा क्या, देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और आपको एट कॉस नहीं होना चाहिए, एट लेके ऊपर क्या बेटा, जब आप वो खोलोगे फिर ऊपर वाला जो अभी पेज टू टॉप पे है, उसके बाद जब आप खोलोगे तो फिर वो एट कॉस नहीं होना चाहिए, एट कॉस प्लस फोर कॉस स्क्वायर, अच्छा यहाँ क्या एट कॉस थीटा होना चाहिए, हाँ एट कॉस थीटा आएगा, तो ये हो गया एट कॉस थीटा प्लस में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, वन फोर से मल्टीप्लाई होगा फोर हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस में फोर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एट कॉस थीटा फोर कॉस थीटा क्या बन जाएगा, फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा, और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, नमन लिख नहीं रहे हो ठीक है, अब यहां से फोर कॉस थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा फोर माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ठीक है, ये डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा फोर माइनस कॉस थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ठीक है, दिस। अब एक बात बताओ थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से नाइन्टी के बीच में, अगर थीटा नाइन्टी के जीरो से नाइन्टी के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, थीटा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अच्छा देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन से वन के बीच में होती है, एक बात बताओ कॉस थीटा अगर माइनस वन से वन के बीच में है तो जहान फोर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, प्लस में होगी, क्योंकि देखो फोर में से माइनस वन हुआ तो थ्री आ जाएगा, फोर माइनस में माइनस वन हुआ तो फाइव आ जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू थ्री और फाइव के बीच में रहेगी, हमने इसमें से सबसे बड़ा नंबर लेके देख लिया, सबसे छोटा वैल्यू नंबर लेके देख लिया, आंसर थ्री और फाइव आता है, तो हमारा पूरा आंसर थ्री और फाइव के बीच में आएगा, अगर थ्री और फाइव के बीच में आया तो पॉजिटिव ही हो गया ना, और नीचे तो होल स्क्वायर है
टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। एक बार बताओ, कॉस थीटा तो माइनस वन से वन के बीच में होता है, कॉस थीटा किसके बीच में होता है? माइनस वन से वन के बीच में। निवेश, ये टू प्लस कॉस थीटा क्या होगा? टू प्लस कॉस थीटा क्या होगा सर? टू प्लस कॉस थीटा, देखो अगर आपने आपको रख दिया तो टू माइनस में वन का होल स्क्वायर, जो एक टर्म है वो हमारी जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, दूसरी टर्म जीरो हो सकती, मतलब जीरो से बड़ी है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डिवाइड बाई डीएक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझे? ओवरऑल डिवाइड बाय ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि ऐसा फंक्शन y इज इक्वल टू log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जीरो से डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डिवाइड बाई डी एक्स। देखो log x log x is defined only for positive values, x जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। log x इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी ही इसका डोमेन है। नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो log नेगेटिव वैल्यू का डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, तो x हमारा यहाँ पर क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में है, क्वेश्चन में भी दिया है वो, नहीं भी देते तब भी अंडरस्टूड था। dy by dx क्या आ गया? वन अपॉन x। एक बात बताओ, x जीरो से बड़ा है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है ना, x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब जीरो से बड़ा है। अगर x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, जीरो से बड़ा है, तो x क्या हो गया? x पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज वन अपॉन x भी तो जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर का। अगर बच्चे कैमरा ऑन करो, कैमरा तो ओपन करके चले गए। वन अपॉन एक्स का मतलब इसका नाम पॉजिटिव नंबर का, जैसे फाइव है, फाइव फिर जीरो से बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी जीरो से बड़ा रहेगा। रेसिप्रोकल करने से क्या अनिरुद्ध? तो वैल्यू तो कम होता रहेगा, वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और हमें यहाँ कम ज्यादा वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कंसर्न है। तो वो तो इंक्रीज नहीं होगा ना, वैल्यू कम हो रहा है, बट एवरी इंक्रीजिंग यूनिट तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो भी होगा। बेटे वो वैल्यू देखी जाती है फंक्शन की, f(x) की नहीं, f(x) की नहीं देखी जाती, वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो फंक्शन की वैल्यू देखी जाती है f(x) की नहीं। ये तो हम तो f(x) को देख रहे हैं, डिवाइड बाय dx। x x 0 से बड़ा है तो x का रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होगा, तो 1 अपॉन x क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। greater than, this is 1 upon x, this is greater than 0, dy by dx हमारा positive आ गया, ठीक है। dy by dx हम देखते हैं positive ये है या negative है, बस इतना ही देखते हैं। dy by dx हमारा positive आ गया तो function कैसा हो गया? fx is an increasing function, strictly increasing function। एफ एक्स हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये होगा, चलो आगे। चलो यस सर, यस लिख लो, पहले नमन लिख नहीं रहे बेटे आप, नमनो
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कहां से कहां पर? ऑन माइनस वन से वन, माइनस सेवन से वन के इंटरवल पे ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. किसी भी इंटरवल पे दिवेश, किसी भी इंटरवल पे दिवेश पढ़ाई पे ध्यान दो. सर आपके सामने किसी भी इंटरवल पे कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है दिवेश? सर कोई भी फंक्शन strictly increasing या strictly decreasing कब होता है? सर when greater than zero तब increasing होगा. जब पूरे interval पे, पूरे interval पे या तो increasing हो या पूरे interval पे decreasing हो तब उसे हम strictly increasing या strictly decreasing कहेंगे. अगर आधे interval पे minus one से one का interval है, आधे पे वो increasing है आधे पे decreasing है, उसे क्या कहेंगे? इस कंप्लीट इंटरवल माइनस वन टू वन के लिए क्या है ये? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. समझे? किसी भी इंटरवल पे, कंप्लीट इंटरवल पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहा जाएगा? अगर कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है तब हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे. अदरवाइज क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. हाँ, सम पार्ट पे फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है. सम पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या कहा जाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. समझ आया? यस. आप क्वेश्चन में बोला कि इस पे ये, इस इंटरवल पे ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये शो करना है. देखते हैं जरा. एफ डेस एक्स निकालो पहले तो. एफ डेस एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1. पुट करो एफ डैश एक्स को जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दो. क्या आ गया? टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. यहां से एक्स इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा. सॉरी. एक्स इज इक्वल टू हाफ आ गया. नंबर लाइन बनाओ. ये माइनस वन है, ये वन है और ये हाफ. ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ, x कितना हाफ दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया आपने. बताओ बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, कौन से इंटरवल पे नेगेटिव होगा, कौन से पे पॉजिटिव होगा. लेफ्ट में नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा. लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव. बाकी लोग भी चेक करो यही आ रहा है. ठीक है, यही आना चाहिए. जैसे 0.6 ले लो, यहाँ पर ये 0.5 होता है ना हाफ, 0.6 ले लो, 0.6 यहाँ डालोगे, 2 इंटू 0.6 माइनस में 1, तो 1.2 माइनस में 1.2 हो गया ऐसे. ठीक है. तो लेकिन फिर अगर हम सेट सेट करेंगे तो अगर कोई प्लस वाली वैल्यू करेंगे तो हमारा पॉइंट प्लस ही में है आंसर. मतलब अगर हम वो ले लेंगे, रिपीट करो बेटा क्या कहा, वो लेंगे तो फिर 0.4 ले लो या जीरो भी ले सकते हो. लेफ्ट साइड पे तो जीरो भी ले सकते हो. तो 2 × 0 − 1, 2 × 0 − 1 − 1 आ जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव आ गया. यही कह रहे थे कुछ और? हाँ सर, आगे में कुछ ऐसे आएगा. ठीक है.
तो क्या हुआ सर, तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखो x बिलोंगिंग टू माइनस हाफ माइनस वन टू हाफ f डैश x क्या है लेस देन जीरो, तो फंक्शन कैसा हो गया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू हाफ टू वन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन कैसा हुआ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओवरऑल क्या हो गया, आधे इंटरवल पे माइनस वन से हाफ तक डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग है, पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल पे तो ना इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग हुआ। मैंने आपको यही बताया ना कि कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तब कहेंगे जब एंटायर फंक्शन इंटरवल पे या तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है या पूरे इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तभी हम उसे कंप्लीट इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे, बट यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग यहाँ पर ऑन माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आया? यस, चलें आगे। यस नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका चेक करो 0 से पाई बाय 2 के लिए कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, चेक करो। ओके सर, इंक्रीजिंग होगा क्या? एक सेकंड सर, 0 टू पाई बाय 2 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव नहीं करता ना बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करता ना। अच्छा ओ हाँ, तो ये डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यस सर। अच्छा करके दिखाओ, लिख के दिखाओ सर, उसका डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है तो नेगेटिव, लिख के दिखाओ अनिरुद्ध, लिख के दिखाओ, पेपर में बोल के थोड़े बताओगे बेटा, वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड थोड़ी अटैच करोगे, लिख के दिखाना बेटे। सर एंड्रॉइड चेंज करवा देगा सीबीएसई का पैटर्न। ऐसे नहीं होता बेटे, लिख के दिखाओ सर, उसके पापा काम करते हैं ना सीबीएसई में। मैं तुम्हारी ना पिटाई कर दूंगा, फालतू पप्पा सीखते जा रहे हो। नमन और अनिरुद्ध दोनों के पापा करेंगे, फालतू पापा पापा करना, मजाक नहीं ऐसे उड़ाया जाता, तुम बेवकूफ की बात कर रहे हो। सर बता दो क्या मजाक का उड़ा रहे हो, सीबीएसई में अच्छी पोजीशन में वो। हाँ सर मजाक उड़ा रहे हैं, फालतू बातें नहीं, बस बंद करो सर। हो गया सर, दिखाओ अनिरुद्ध, दिखाओ नॉट बुक, दिखाओ अनिरुद्ध, यस बोलो। यस सर, बाकी लोग दिखाओ सर, देख लो ये ठीक नहीं है अनिरुद्ध, यस बोलो सर। मैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली में लिखा, यस बोलो। ओ यस, हाँ जान का ठीक है। अगला सर मैं दिखा दूं, दिखाओ
यस सर दिख रहा है? एक मिनट ठीक है देखने दो ठीक है बट थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा ओके नमन नमन तो गया कैमरा बंद करके यस बोलो हाँ सर भाग गया नमन यस बोलो यस यस दोबारा बोलो हाँ नीचे करो थोड़ा नोटबुक यस सर नोटबुक थोड़ा नीचे करो सर यही है मुझे यहीं से स्टार्ट करो नहीं नमन आपने ठीक नहीं किया देखो इधर कैसे लिखना है एंड उसने भी गलत किया दिवेश ने ठीक किया लेकिन लिखा अच्छे से नहीं जहान ने ठीक किया अच्छे से लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अब इंटरवल क्या दिया जीरो से पाई बाई टू दिया है ना जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जीरो से पाई बाई टू है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो यही तो हमारा एफ डैश एक्स है एफ डैश एक्स क्या हो गया नेगेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया यानी कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिग्रेडिंग ऐसे लिखना था मतलब अनिरुद्ध ने क्या लिख दिया कि x belonging to 0 to pi by 2 positive x थोड़े पॉजिटिव दिखाना है एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना है ठीक है एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना है या नेगेटिव दिखाना है तो साइन पहले क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 में अनिरुद्ध ने लिखा कि x पॉजिटिव होते हैं x पॉजिटिव नहीं होते साइन x पॉजिटिव होता है x अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में है x एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं साइन पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन नेगेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया एफ एक्स डिक्रीजिंग ऐसे लिखना है नमन करो इसको कंप्लीट करो नमन अगले वाला भी नमन यस सर जल्दी कंप्लीट करो इसको तो इसके बाद वाला हो गया दिखाओ दिखाओ ऐसे नहीं आएगा सब लोग एफ डैश एक्स निकाल लो आके मैं सिखाऊंगा कैसे करना है एफ डैश एक्स टू कॉस माइनस साइन टू साइन टू साइन टू एक्स देखो माइनस टू साइन टू एक्स आएगा इंटरवल आपको दिया है एक्स ना बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू लेकिन ये तो एक्स का इंटरवल है एक्स जीरो से नाइनटी के बीच में है एक्स ना जीरो से पाई बाई टू के बीच में लेकिन यहाँ तो एंगल 2x है तो 2x क्या हो जाएगा जीरो से पाई तक हो जाएगा ना जीरो से पाई तक हो जाएगा ठीक है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएंगे समझ गए इसमें पॉजिटिव भी हो जाएगा ना x आ बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू दिस इंप्लाइज 2x मतलब ये हुआ कि जीरो इज लेस देन x लेस देन पाई बाई टू x 0 से 90 के बीच में है तो 2x किसके बीच में हो जाएगा 0 इज लेस देन x 2x लेस देन पाई 180 तक साइन 2x साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है ठीक है साइन इसमें भी पॉजिटिव होता है इसमें पॉजिटिव होता है तो साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है तब भी साइन 2x क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा तो एफ एस एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो ऐसे लिखेंगे इसको लेकिन माइनस लगाए ना ठीक है तो माइनस साइन टू एक्स क्या हो जाएगा साइन टू एक्स लेस देन जीरो एफ डैश एक्स आएगा लेस देन जीरो फंक्शन कैसा हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ठीक है नहीं समझे समझ गया सर कैसे हुआ जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है और एफ डैश एक्स
इंटरवल हमारा 0 से पाई, 2x हमारा 0 से पाई के बीच में है, इस 2x को देखना पड़ेगा आपको, 2x हमारा 0 से पाई के बीच में, तो sin 2x क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,